अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेजवान चटनी की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट वाले सेजवान चटनी आप घर पर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं ले ली हूँ यहाँ पे 20 से 25 काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तीखा नहीं होता है लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा आता है। तो गर्म पानी कर ली हूँ, उसमें डाल दूँगी। और ये तीखा वाला लाल मिर्च ली हूँ, ये भी 20 से 25 है। तो आप कितना तीखा चाहते हैं उसके हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। तो जितना मैं मिर्ची ली हूँ इससे हमारी चटनी मीडियम बनेगी, बहुत तीखी नहीं बनेगी। तो इसे ढक कर रख दूँगी मैं आधे घंटे के लिए। और ये आधा घंटा हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे से फूल गया ये। तो अभी भी ये पानी गर्म है तो चिमटे से मैं निकाल लूँगी और इसे निकाल कर एक मिक्सर के जार में डाल दूँगी। और हल्का सा पहले इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो सारा मिर्ची निकाल कर डाल दे रही हूँ। यहाँ निकाल ली हूँ। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पीस ली हूँ। और मिर्ची का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है हमें। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस ली हूँ। तो अब मैं इसे रखूँगी साइड में और एक पैन को गर्म कर ली हूँ। इसमें डालूँगी 1/2 कप के करीब में तेल। इस चटनी में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है ताकि जब हम इसे स्टोर करें तो ये ख़राब ना हो। तो तेल को हल्का सा गर्म कर ली हूँ। इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून डालूंगी इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। इनको हमें मीडियम आंच पे चलाते हुए भून लेना है। तो हल्का सा इसका कच्चापन दूर होने तक हमें भूनना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसे। तो चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक भून ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची का पेस्ट। तो सारा पेस्ट डाल देंगे अच्छे से और मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल दूंगी। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए मिर्ची को पका लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ 4 मिनट हुए हैं इसे पकते हुए। मैं डाल दूँगी इसमें नमक, तो 1 टेबल स्पून नमक डाली हूँ और अच्छे से मिला ली हूँ। और देख सकते हैं मिर्ची का जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन चुका है, ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। तो मैं डालूँगी इसमें 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 बड़ा चम्मच डालूँगी इसमें विनेगर और 2 बड़ा चम्मच डाल ली हूँ टोमेटो केचप। 1 छोटा चम्मच ले ली हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया का डंठल, इसे डाल दूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो मिला लेंगे। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो 2 चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टोमेटो केचप डाला हुआ है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला ली हूँ और 1 मिनट तक मीडियम आंच पे और पका ली हूँ। और हमारा चटनी बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। इस चटनी को ठंडा करके आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर 15 से 20 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये तैयार हो चुका है, इसे चलाते हुए पका ली हूँ मैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। तो एक बोल में निकाल दूँगी मैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से। देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। इस चटनी को बनाकर आप स्टोर कर लें और आप जब भी चाहें शेजवान राइस बना सकते हैं, शेजवान नूडल्स बना सकते हैं या फिर ऐसे भी पराठे से खा सकते हैं। और मेरी सिस्टर आई थी तो उसने फरमाइश की कि मैं शेजवान राइस बना कर दूं, तो मैंने उसके लिए बनाई हूँ शेजवान राइस। उसे तो शेजवान चटनी और शेजवान राइस इतना पसंद है कि उसने अपना लंच बॉक्स भी थमा दी, ये लो इसमें भी भर दो। वैसे मेरे घर में ये चटनी 3 से 4 दिन में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।